यहाँ पे परेड ग्राउंड है जो पुंछ सबसे ये अच्छा पार्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते जाते हैं। तब भी यहाँ पे गंदगी की आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने गंदगी का ढेर लगे हुए हैं ढेर, और यहाँ पे जगह जगह पे गंदगी है। लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसको साफ़ किया जाए। डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वह इस पार्क को साफ़ करे ताकि कोई भी ऐसी लोगों को बीमारी ना फैले। या जैसे कि कोरोना वायरस का आप सुन सकते हैं कि कितना लोगों में भय उत्पन्न हो गया है, तो अगर ये गंदगी हम होने ही ना दें, सफाई रखें, तो ऐसा वायरस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पुंछ का इतना अच्छा वातावरण है तो किसी को हो सकता है। तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वायरस होता है तो तभी लोग सफाइयाँ करते हैं। अगर पहले ही सफाई की जाए तो ऐसी कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी लोगों को लगने की कोई संभावना नहीं है। जय हिंद। अगर आप देखेंगे इस समय बारिश के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ लोग आए हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। ये शहर के अंदर एक ही पार्क है बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर गंदगी के बहुत ढेर लगे हुए हैं जिसकी वजह से जो वायरस फैला हुआ है कोरोना वायरस उसका भी एक खतरा रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी के ढेर है इससे वायरस फैलता है और प्रदूषण की वजह से भी वायरस बहुत तेज़ी के साथ दुनिया के अंदर फैल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा कि फौरतौर पर इसके ऊपर सफाई व्यवस्था का ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्कूल के बच्चों के पास ही बैठने के लिए यही एक जगह है। जब उनकी गाड़ी लेट होती है वो ये आकर गाड़ी का वेट करते हैं। लोग भी शहर के अंदर जिनको कोई काम होता है काम करके यही पार्क के अंदर बैठते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस समय पार्क की सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की जरूरत है जो हमारे सार्वजनिक प्लेस हैं जैसे पार्क है और जगह है, वहाँ पर सफाई की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँ फौरन इसको ध्यान देना चाहूँगा।